राजधानी लखनऊ के लोकभवन स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के दर्शन आम लोग कर सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का दर्शन हर रविवार को 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। तो खुद सीएम योगी ने यह फैसला लिया है, अब आम लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। योगी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकभवन के दरवाजे खोल दिए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति लगी है लोगों को दर्शन के लिए आमजन के लिए खोले गए हैं। हमारे साथ प्रभारी एसएसपी लखनऊ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज दरवाजे खोले गए आम लोगों के लिए ऐतिहासिक कदम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम है, सेंसिटिव एरिया है, उसको लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? आप लोग का हेल्पिंग नेचर दिख रहा है आप लोग का, किस तरह से आप लोग पूरे इंतजाम संभाले हुए? श्रद्धेय अटल जी की ये प्रतिमा यहाँ लोकभवन में है, ये हाई सिक्योरिटी जोन है और इसको प्रत्येक रविवार को 10 बजे से 5 बजे तक के लिए खोला गया है। और इसमें हम लोग जब आ रहे हैं तो उनका केवल एक आईडी प्रूफ चेक कर रहे हैं, कोई ना कोई उनके पास होना चाहिए और उनको चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। उनके पास कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, कोई अस्त्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनका बैग अलाउ है और उनका मोबाइल फ़ोन कैमरा इत्यादि अलाउ है, ताकि वो आ करके यहाँ पर दर्शन भी करें और अपनी सेल्फी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह परिवार के साथ ले सकें। और हम देख रहे हैं अभी पर्यटकों में काफ़ी उत्साह है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें ये प्रमुख रूप से प्रत्येक रविवार का एक अच्छा पर्यटन स्थल। सर, एक आखिरी सवाल है कि सर, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पुलिस के जो जवान हैं वो भी काफ़ी हेल्पिंग नेचर दिख रहा है आज का दिन, और अगर सेल्फी अगर कोई लेने वाला नहीं तो सेल्फी भी ले रहे हैं, बाकी जो मदद हो रही है मदद कर रहे हैं, क्या इसके लिए कुछ खास इंतजाम आप लोगों ने पहले कुछ आदेश वादेश किए थे कि आप लोग आमजन जो आएंगे उनको हेल्पिंग नेचर हो? नहीं, ये बिहेवियर की हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, जो हमारे लोग यहाँ पर लगे हैं उनसे कहा गया है कि अच्छा बिहेवियर लोगों के साथ रखें। यहाँ पर ये हमारे लिए गौरव की बात है कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर और दर्शन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी एसएसपी सुरेश चंद्र रावत, जो साफ तौर बताया कि यहाँ पर जो पुलिस लगाई गई है वो भी उनका बिहेवियर भी हेल्पिंग रहेगा और जो लोग आएंगे जो अटल जी की जिनको फ़ोटो लेनी है सेल्फी लेनी है उस पर भी मदद करेंगे। गगन मिश्रा, आनंद टीवी, लखनऊ। प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लोकभवन में लगाई गई है और लोकभवन मूर्ति दर्शन के लिए आम लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। हम कुछ लोगों के साथ खड़े हैं जो दूर इलाकों से आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के दर्शन करने, उनसे बात करते हैं आखिरकार वो लोकभवन में जो आम जन के लिए दरवाजा खोला गया है वो कदम कैसा है, वो आज उन्हें दर्शन करके कैसा लगा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग जालौन रही से आए। क्या करने आए आप लोग यहाँ पर? यहाँ बस आए थे मिलने, कार्यक्रम था कल सहकारिता का, हम प्रदेश प्रमुख हैं। तो आपने अटल जी की मूर्ति देखी, कैसी लगी? अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, भारत रत्न हैं और इनके हम लोग पथ प्रदर्शक हैं, इनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। तो हमारा सौभाग्य खुद रहा है कि हम पहली बार खोला और पहली बार हम दर्शन करने। आप कहाँ से आए हैं? हम जालौन से आए। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे आम जन के दरवाज़ा खुला है? जब पता चला तो आपको कितनी खुशी हुई? अरे खुशी की मत पूछो आप, इतनी खुशी हो रही है, आज मेरा सौभाग्य है मैं अटल जी की प्रतिमा के सामने खड़ा हूँ, पहले दिन, ये हमारा सौभाग्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जिस इलाके में आपको ये जिस क्षेत्र में ये जिस जगह पर ये अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पर किसी ऐसे बिना पास धारक की एंट्री नहीं होती, लेकिन आज आम जन के लिए खोला गया है, इस कदम को योगी सरकार के इस कदम को कैसा मानते हैं आप? सराहनीय कार्य है, सराहनीय बहुत अच्छा। जनता भी अपना हक जानती है कि हमारा फिलहाल लोग का ताता बढ़ रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगाई गई। मैं आपको दिखा दूँ कि आम जन के लिए खोला गया है, लेकिन कोई ऐसा आपत्तिजनक कोई सामान ना ले आए इसके लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी भी लगी है, यहाँ पर सुरक्षा का भी इंतजाम देखा गया है। जिस तरह से योगी सरकार की मंशा है कि जिस तरह से इतनी विशालकाय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाई गई है, तो लोग जो अटल जी को चाहने वाले हैं, खासकर लखनऊ के लोग जो अटल जी की एक छाप छूटी हुई है, वो लोग यहाँ पर अटल जी के दर्शन कर सकें, और जो सरकार की मंशा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लोग जाने, वो भी पूरी हो रही है। गगन मिश्रा, आनंद टीवी, लखनऊ।